Subscribe to Rationally Yours India and click the bell icon. Welcome to Psychology Says. First of all, we are very sorry for this much gap in our videos. आगे से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करें। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, स्पेशली स्टूडेंट फ्रेंड्स ने हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि हम लर्निंग इफेक्टिवली कैसे करें इस पर वीडियो बनाएं। तो लीजिए, आज का हमारा ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। US नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट, इस संस्था ने अलग अलग लर्निंग मेथड्स की इफेक्टिविटी पे रिसर्च किया और एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम है द लर्निंग पिरामिड, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ही। लेकिन उससे पहले मैं आपके लर्निंग गोल के बारे में बात करना चाहता हूँ। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, देर आर टू टाइप्स ऑफ लर्निंग गोल्स दैट स्टूडेंट्स और टीचर्स कैन सेट। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस गोल एंड द सेकेंड इज मास्टरी गोल। परफॉर्मेंस गोल जिनका होता है उनका फोकस शॉर्ट टर्म होता है, जैसे कि 80% मार्क्स लाना, इंग्लिश में ए ग्रेड लाना एक्सेट्रा। जिन लोगों का मास्टरी गोल होता है वो लोग लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं। वो परसेंटेज के पीछे भागने के बजाय इस सब्जेक्ट में हम फ्लुएंसी कैसे लाते हैं इस पे फोकस करते हैं, जिससे उसका फायदा उन्हें लाइफ लॉन्ग होता है। इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में लॉन्ग टर्म मास्टरी कैसे मिले, इस गोल को चेस कीजिए। लर्निंग मेथड्स तो बहुत सारी है और सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि किस मेथड से आप सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन कर पा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपना नेक्स्ट स्टडी या फिर नेक्स्ट सेशन प्लान कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसी के बारे में बात करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिरामिड। सबसे कम इंफॉर्मेशन याद रहती है पैसिवली लेक्चर सुनने से, मतलब सिर्फ 5-7%। इसमें अगर लेक्चरर अच्छा हुआ तो परसेंटेज कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पैसिव लर्निंग ही होती है। इसके बाद आती है रीडिंग, जिसकी कैपेसिटी है 10%। आप खुद से बुक पढ़ के अराउंड 10% तक के इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद करने के लिए हमें उसे कई बार पढ़ना पड़ता है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के वीडियोस या एनिमेशंस देखते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की कैपेसिटी 20% तक बढ़ जाती है, और अगर उसी इंफॉर्मेशन का आपको कोई लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे तो वो कैपेसिटी 30% तक भी बढ़ सकती है। तो इन चार मेथड्स को पैसिव लर्निंग या पैसिव टीचिंग ये नाम दिया गया है। अब इसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और इसकी इंफॉर्मेशन रिटेन करने की कैपेसिटी है 50%, प्रोवाइडेड कि आप उसे सीरियसली करो। वरना मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से ग्रुप डिस्कशंस किए हैं जिसमें पढ़ाई छोड़ के सब कुछ होता है। इसके बाद है प्रैक्टिस बाय डूइंग, जिसका मतलब है आप जो भी पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखो। जैसे कि अगर साइंस है तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके, अगर लैंग्वेज है तो उस राइटर के नॉवेल पे प्ले करके देखो, एक्सेट्रा। मतलब इन शॉर्ट, आप अपने सब्जेक्ट को रियलिटी में लाने की कोशिश करो, और अगर आप ऐसा कर पाए तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को 70% तक भी याद रख सकते हैं। और सबसे बेस्ट, सबसे लास्ट में आ रहा है टीचिंग अदर्स। अगर आप अपने सब्जेक्ट को किसी और को सिखाते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की कैपेसिटी 90% तक बढ़ जाती है। इसलिए किसी ने सच ही कहा है, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। तो अब ये सुन के कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो टीचर नहीं हूं, मैं किसे सिखाऊं। तो अब सिखाने के लिए आपको टीचिंग जॉब की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही किसी को पकड़ के सिखा दो, या फिर अपने क्लास में अपने दोस्तों को सिखा दो, या सबसे बेस्ट यूट्यूब वीडियोस बना दो, ताकि दुनिया का कोई भी बच्चा आपसे फ्री में इंफॉर्मेशन ले सके। देयर आर मेनी ऑप्शंस, आप बस शुरू तो करो। तो आप अपनी लर्निंग इंप्रूव करने के लिए इनमें से किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इन मेथड्स को मिक्स एंड मैच करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी एग्जाम सीजन ऑलमोस्ट आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स और स्टूडेंट को इसका फायदा मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।